खवातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज़ बुखारी फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछली दो तीन वीडियोस के अंदर जो है मैंने आपको अपडेट दी थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जिसके अंदर जैस्मिन ग्रैंड मॉल के हवाले से अपडेट दी थी जो कि क्यूरिंस का प्रोजेक्ट है, और इसी तरह से पलवन कोर्ट यार्ड के हवाले से जो कि ABS डेवलपर्स है उनका प्रोजेक्ट है। तो अब मैंने आपको ये बताना था कि इंशाल्लाह ताला मैं अपनी आइंदा वीडियोज़ के अंदर आपको वो प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी अपडेट्स दूंगा जो अपकमिंग है, ठीक है, जिसके अंदर आपको पहले से पता हो कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और डेवलपर जो है वो कितने ज़्यादा कमिटमेंट करता है। आज की जो वीडियो है वो पर्ल आइफल के हवाले से, पर्ल आइफल की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ नाज़रीन, तो ये तौहीद ब्लॉक के अंदर आपको मिलता है मेन बुलेवर्ड की तरफ। इस वक्त मेरे बिल्कुल राइट साइड पर आपको जो है आइफल टावर का व्यू मिलता है, आप ड्रोन शॉट्स के अंदर आप देख सकते हैं, और इसी तरह से मेरे लेफ्ट साइड पर जो है वो जैस्मिन ग्रैंड मॉल है, उसके हवाले से मैंने लास्ट टाइम जो है वो वीडियो आपको अपडेट कर दी थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। इसी जैस्मिन ग्रैंड मॉल को अगर हम आगे से थोड़ा सा क्रॉस करके जाते हैं और आगे से जो राउंड अबाउट आएगा वहाँ से हम लेफ्ट होंगे। अच्छा, बेसिकली देखें, अब पता क्या है, पैसा आप लोगों का है, ठीक है, आप लोगों को अवेयरनेस देना हम जैसे भाइयों का दोस्तों का काम है कि आप लोगों को हम अवेयर करें कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आपको किसी भी सोसाइटी के हवाले से या प्रोजेक्ट के हवाले से एक खुली पिक्चर आप लोगों के सामने रखें ताकि आप लोग इजीली उसको जो है उसको आप जज कर सकें कि आए कि वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डेफिनेटली स्पेशली किसी एक प्रोजेक्ट के लिए या इतनी दूर आना या किसी ओवरसीज क्लाइंट के लिए इतना सफ़र करना जो है वो इतना पॉसिबल नहीं है, तो डेफ़िनेटली ये वीडियोस बनाने का मकसद भी आप लोगों तक जो है रहनुमाई करनी है, अवेयरनेस पहुंचानी है, प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट देनी है, न्यूज़ अपडेट्स जो है जैसे कि आप समझते हैं कि वो आपको तमाम तरह अपडेट्स देनी है। अब ये मैं राइट साइड पे जा चुका हूं और राइट साइड पे अगर मैं जाऊँ तो ये मेन बुलेवर्ड है, तौहीद ब्लॉक के अंदर है, यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो घर बन चुके हैं, आज से साल डेढ़ साल पहले इतने सारे घर नहीं थे लेकिन यहाँ पर कम्यूनिटी डिवेल्प हो रही है ऐसा ऐसा। और ये मेरे लेफ्ट साइड पर आप ग्रे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके बाद ये जो पर्ल आइफल है ये एक हाई रेस प्रोजेक्ट बन रहा है। इसके अगर टोटल डायमेंशन की बात करूँ नाजीन तो इसकी टोटल डायमेंशन एक कनाल है। डेवलपर से अभी मेरी एक से दो दफ़ा मुलाकात हुई है, समझ में आता है, लेकिन बात वही है कि बातें तो सारी अच्छी करते हैं लेकिन जब काम करेंगे, जब उसके ऊपर उस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तब हमें पता होगा, तब ही हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ट होगा, ठीक है। तो लेकिन नाज़रीन इसके अंदर यह है कि ये पर्ल आइफल जो है इसके अंदर इन्होंने वन बेड के अपार्टमेंट स्टूडियो, वन बेड टू बेड के अपार्टमेंट इन्होंने दिए थे, जिसके अंदर मैं अगर बात करूँ बुकिंग के हवाले से तो 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपए से आप बुकिंग करवा सकते हैं, लिमिटेड से यूनिट्स रह गए हुए हैं। इसी तरह से जो कमर्शियल है, कमर्शियल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर आपको जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स हैं जो कम से कम जिसका जो साइज़ है 225 स्क्वायर फीट का है, 25 लाख डाउन पेमेंट से आप बुकिंग करवा सकते हैं और 1,60,000 रुपया मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनती है। पेमेंट प्लान आपकी स्क्रीन के अंदर है। इसी तरह से जो लोअर ग्राउंड की शॉप्स हैं वो कम से कम जो 200 स्क्वायर फीट की शॉप है नाजिर, वो 8 लाख रुपये डाउन पेमेंट है उसकी और 65,000 रुपया मंथली से आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स आप दे सकते हैं। बाकी हर 6 महीने बाद जो एक बलून पेमेंट है अब वो आपने पे करनी है, देन आपने पोजेशन पे करना है। तो इसको किसी हद तक आप कंसिडर कर सकते हैं नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट को। ये है कि ये एक अपडेट मैंने आपको दी पर्ल आइफल से मुतल्लिक है। इसके अगर मैं CEO की बात करूँ तो CEO इनके हैं जी शेख अब्दुल्ला साहब, जिनकी अगर हम मज़ीद हिस्ट्री की बात करें तो तकरीबन 17 से ज़ायद प्रोजेक्ट जो है अंदरून लाहौर के अंदर ये डिलीवर कर चुके हैं। बहरे टाउन के अंदर इनका ये पहला प्रोजेक्ट है और एक बहुत अच्छी और फैमिली जो इनकी जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से एक अच्छा इनका बैकग्राउंड है। डेफिनेटली जो डेवलपर है उसका पीछे से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा लाजमी है ताकि हमें पता चले कि वो अपने खुद से कितने ज़्यादा स्टेक्स लगा के बैठा हुआ चीज़ों को लेके, क्योंकि जितना अच्छा काम जितना बड़ा डेवलपर होगा उसका उतने ही नाम को उसके अपने उतनी ही परवाह होगी और वो उस चीज़ को अपने नाम को जो मेनटेन करने के लिए जो है और अपने काम को जो है वो दिखाने के लिए तमाम एफर्ट्स वो पूरी जो है करने की कोशिश करता है। तो नाज़रीन इस तरह से है कि ये जो है हमारा आज का जो सेशन था वीडियो से रिलेटेड पर्ल आइफल का, तो ये आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। इसके हवाले से आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है लेकिन आपके पास उसकी अपडेट नहीं है,
आप मुझे दें, इंशाल्लाह विद इन अ डेज टू और थ्री डेज के उसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट दिया करूँगा। कमेंट्स में नीचे मेंशन कर दें और अपनी दुआ में याद रखिएगा, शहबाज़ बुखारी को फिर मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।